नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने रूस और यूक्रेन के मध्य संघर्ष के कारण यूक्रेन में फंसे प्रदेश के लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए किए जा रहे आवश्यक उपायों के बारे में सदन में कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विषय सचमुच में बहुत गंभीर है और चिंता का भी विषय है। हम सब लोग भी बहुत चिंतित हैं कि पिछले दो दिनों से जो हालात वहाँ पर यूक्रेन में बने हैं और जो तस्वीरें मीडिया के माध्यम से सब लोगों तक पहुँच रही हैं, वो स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ाने वाली हैं और ख़ासतौर से ऐसे लोग जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं, चाहे वो बच्चे पढ़ाई के लिए गए हैं, कुछ लोग व्यवसाय के लिए गए हैं, कामकाज के लिए गए हैं, जो वहाँ पर फंसे हैं उनके परिवार बहुत चिंतित हैं। अध्यक्ष महोदय, ये भी सत्य है कि यूक्रेन के जो यूनिवर्सिटी है अलग अलग, उसमें हिमाचल के क्या पूरे हिमाचल के साथ पूरे देश के दूसरे राज्यों के भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो पढ़ाई के लिए गए हैं और ख़ासतौर से मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हैं, और ये तादाद काफ़ी ज़्यादा है। जो पूरे देश भर के सिलसिले में अगर जो बात कही जा रही है तो 20,000 से ज़्यादा ऐसे जो लोग हैं वहाँ पर इस वक्त हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और उसमें हिमाचल प्रदेश के भी जो बच्चे वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में गए, वो परेशानी के इस दौर में से गुजर रहे हैं। एक तो कोविड के कारण हालात ऐसे बने, बीच में पढ़ाई अवरुद्ध रही, ऑनलाइन पढ़ाई रही, लेकिन वहाँ बाद में सरकार ने तय किया कि पढ़ाई अब ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी, आपको जहाँ पर आना ही होगा। बच्चे गए वहाँ पर और वो बच्चे वहाँ जाने के पश्चात वापिस आने की स्थिति में नहीं हो पाया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ने ज़्यादातर यही कहा कि अगर आप यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद हम आपकी एडमिशन को रद्द कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, आपको यहीं रह करके ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब बहुत गंभीर, क्योंकि अब बिल्कुल घोषित युद्ध वहाँ पर शुरू हो चुका है और वो पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ाने वाला है। ये कुछ एक पेरेंट्स से बातचीत हुई है मेरी, बच्चों के साथ वो संपर्क में है, वहाँ की प्रशासन की ओर से, वहाँ की सरकार की ओर से प्रयत्न है कि बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, ऐसा दूतावास की ओर से भी प्रयत्न किया जा रहा है और वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं, बच्चे इस बात को खुद भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा का विषय इतना आसानी से जो है वो नहीं लिया जा सकता है। उनकी सुरक्षा के बारे में हम भी चिंतित हैं। हमने केंद्रीय जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनको भी पत्र लिखा है और जिसमें हमने इस बात को लेकर के ही आग्रह किया है, विशेष तौर से जो हिमाचल के जो हमारे बच्चे वहाँ पर हैं, जब तक वहाँ पर हैं तब तक वो सुरक्षित रहे वहाँ पर, उसका वहाँ पर दूतावास जो है वो व्यवस्था करे, उनकी सुरक्षा की चिंता करे, सुनिश्चित करे, और उसके अतिरिक्त वहाँ से वापिस लाने के लिए अगर जो व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसमें भारत सरकार जो है वहाँ के सरकार के साथ तुरंत बातचीत करके उनको वापिस लाने की व्यवस्था करें, ताकि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित घर तक पहुँच सके, उनके परिवारजन भी जो है वो इस चिंता से मुक्त हो सके। पिछले कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की फोन पे बहुत विस्तार से पुतिन जी से भी बात हुई है और उसमें भी विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी का मेन फोकस यह था कि जो भारतीय लोग वहां पर इस वक्त फंसे हुए हैं उनके सुरक्षित या तो वापसी, और जब तक वापसी नहीं होती तब तक के लिए वहां पर उनकी सुरक्षा, इसी विषय पर उनने बातचीत की है ज्यादातर, इस जो हमको जानकारी है जहां आप पूछ रहे हैं कि नंबर का,
ये कन्फर्म नंबर अभी तक हमारे पास नहीं आ रहा, लेकिन कोई बोल रहे 120, कोई बोल रहे 130, कोई 150 बोल रहे हैं। तो इस सारी चीज़ को लिए हमने एक कल हमने एक शुरुआत करने की कोशिश की, जो हमारी हेल्पलाइन है, जिसका भी बच्चा हिमाचल प्रदेश का बच्चा वहाँ यूक्रेन में है, कहाँ है, उसकी वो जानकारी हेल्पलाइन के माध्यम से वहाँ पर रजिस्टर करा दे, ताकि हम तक वो सारी फिगर जो है वो सारा नंबर टोटल आ जाए, कौन बच्चे कहाँ हैं, और उनके लाने की अगर व्यवस्था केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार और वहाँ की सरकार करने में सफल होती, तो उसमें हम कोऑर्डिनेशन कैसे बना सकें। और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि ये टोटल नंबर हमारे पास आना चाहिए। और उसमें अभी तक जो है वो हेल्पलाइन में 60 लोगों का रजिस्ट्रेशन उसमें हो गया है, 60 लोगों का रजिस्ट्रेशन, ये कल शाम को ही हमने किया है, तो 60 लोगों का रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये कन्फर्म हो गया कि भाई ये तो है ही है, लेकिन उसके बावजूद भी बताया जा रहा कि ये नंबर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और मैं इस बात से सहमत भी हूँ कि नंबर ज़्यादा ही होगा। अब ये भी एक बात को लेकर के मैकेनिज्म अंदर से जो डेवलप करने की कोशिश हो रही है, ताकि वहाँ के हमारे लोगों की सुरक्षित वापसी हो सके, वो वापसी को सुनिश्चित करने के लिए पोलैंड जो है वो पोलैंड के माध्यम से वहाँ से वहाँ, क्योंकि बॉर्डर एकदम साथ लगता है, वहाँ तक उनके ले जाने की व्यवस्था हो, और ले जाने की व्यवस्था के साथ फिर पोलैंड से उनकी वापसी हो सके, ये भी एक चीज़ को लेकर के वर्कआउट कर रहा है। लेकिन सारी चीज़ों को लेकर के अभी मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि सारे ये कोऑर्डिनेशन केंद्र सरकार जो है, हमारी भारत सरकार जो है वहाँ की सरकार के साथ कर रही है, और इसलिए जो अभी तक हमको जानकारी मिल रही है उस दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं। लेकिन अभी तक सख्ती बहुत ज़्यादा है, कर्फ्यू है, बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, एक दो बच्चे भी बाहर जाने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पर जो माहौल बना है। मैं इतना ही जरूर कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि हम इस सारे मामले में गंभीर हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनसे भी बातचीत करूँगा, पत्र लिखा ही है, और उसके साथ साथ में मैं जरूर करूँगा, इस बात को भी सुनिश्चित करूँगा कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षित वापसी परिवार वालों के बीच में हो सके, उसके लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जो भी मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो हिमाचल प्रदेश सरकार उनको करने के लिए तैयार है। उसमें किसी प्रकार से, क्योंकि वो अपना बच्चा है, अपनी जिम्मेवारी है हमारी, और इस जिम्मेवारी को हम निश्चित रूप से गंभीरता के साथ उसको निभाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। जितना कंसर्न आप लोग महसूस कर रहे हैं, सब लोग महसूस कर रहे हैं, उतना ही कंसर्न, उससे ज़्यादा कंसर्न हम महसूस कर रहे हैं कि बच्चे सुरक्षित वहाँ पर भी रहें, और वहाँ से अगर निकलने की स्थिति में बन पाए तो वो सुरक्षित भारत अपने आने के बाद अपने घर वालों को हिमाचल प्रदेश में पहुँच सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम कोशिश करें। और मुझे इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट करना है कि केंद्र सरकार ने बहुत गंभीरता से इसमें प्रयत्न शुरू कर दिए हैं, हर एक एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को, भारत के नागरिक को सुरक्षित लाने के लिए और वहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए क्या इंतज़ाम किए जा सकते हैं, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सीधे बात वहाँ के राष्ट्रपति से होना, ये विषय बड़ा स्पष्ट संदेश देता है कि हम इस सारे मामले में गंभीर हैं। बाकी और डिटेल्स जो भी अवेलेबल हो पाएंगी इस सिलसिले में आप हमसे साझा कर सके, जो भी मदद जिस रूप में की जा सकती है वो करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पुलिस को एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड 2022 प्राप्त करने पर बधाई दी है। पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुंडू के मार्गदर्शन में प्रदेश पुलिस की थर्ड आई परियोजना को बिग डेटा एवं एनालिटिक्स श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विद्युत ठेकेदार कल्याण संघ के दक्षिण जोन ने आज मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 2,51,000 रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि जरूरतमंदों की सहायता के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।